बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, शादाबाद और कामयाब रखे। जी 28 अक्टूबर है जी, मंडे, सोमवार का दिन है। 28 अक्टूबर 2024 है। एज़ यूजुअल रेट अपडेट है जी। लास्ट टाइम मैं बांग्लादेश के लिए एक अपडेट दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि जितने भी पैसे होंगे 28 और 29 को मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ड्यूटी आज 3 बजे के बाद है। मेरे आने के साथ मुझे इतना पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांजेक्शन तकरीबन पूरा मिल गया, मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है, उधर से कोई रिजेक्शन भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स मीन कि पूरा ट्रांजेक्शन यस्टरडे और आज के दिन में जमा हो गया, लेकिन मैं फिर भी कल का दिन बताता हूँ, तो कल का दिन में ये नहीं होगा। इन शॉर्ट हमारे पास पूरा ट्रांजेक्शन हो गया, कोई भी इशू नहीं है, जमा हो गया बांग्लादेश के लिए स्पेशली। मंडे 28 अक्टूबर 2024 का रेट पर आते जी, रेट अपडेट कुछ ऐसे कि पाकिस्तान अकाउंट में भेजने के लिए 7359 एम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं, किसी भी अकाउंट में भेज सकते हैं। 73.59 है जी, आईबीएन नंबर और नाम चाहिए, नाम पर भेजेंगे 73.53 है, 73.53 है जी, फ्री है, चार्जेस कोई नहीं है, किसी भी बैंक से ले सकते हैं। UBL, MCB, नेशनल अलाइड, पंजाब बैंक, अल अबीब, मेट्रोपोलिटन बैंक, अल्फाला, खैबर, जेस, किसी भी बैंक से ले सकते हैं। जस्ट करेक्ट डिटेल चाहिए एस पर ID, वल्दियत या जोजियत के साथ। इंडिया बैंक टू बैंक 22.18 है जी, 13.80 चार्जेस है, 5000 के ऊपर 17.25 चार्जेस है, 5000 से नीचे है तो 13.80, 22.18 रेट है जी, कोई भी अकाउंट में भेज सकते हैं। 3 चीज़ें चाहिए, IFSC कोड, अकाउंट का नंबर और नाम, ये 3 चीज़ें हैं, तो आप किसी भी अकाउंट में भेज सकते हैं। जैसे 3 चीज़ें चाहिए, करेक्ट मीन जो भी आपका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, नाम हुए हैं, साथ में बैंक का नाम है तो बहुत बेहतर है। इंडिया नाम पर भी निकले 22.05 है, 25.30 चार्ज है, मुथूट, मणापुरम, यू एक्सचेंज, किसी से भी ले सकते हैं। 22.05 रेट है, 25.30 चार्जेज है जी। फिलीपींस फॉर 1 रियल 15.41, 17.25 चार्जेस यू कैन रिसीव फ्रॉम सिबुआन, एमलियोलर्जी, केश, पलवान, LBC, फिलीपीन पोस्ट, अलाइड एक्सप्रेस एज वेल, यू विल गेट गुड रेट फॉर बैंक टू बैंक स्पेशली फॉर BDO, यू कैन सेंड थ्रू जी कैश ऑल्सो, जस्ट वी नीड सेल फोन नंबर एंड बेनिफिशियरी नेम फॉर यूर जी कैश। 15.41 रेट फॉर 1 सऊदी रियल, 17.25 चार्जेस। बांग्लादेश बैंक टू बैंक 31.76 जी, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं बांग्लादेश के लिए, मैं पहले अपडेट दे चुका हूँ। लेकिन कुछ बैंक है जिसका ख्याल करना चाहिए, इनमें से कुछ बैंक ये हैं जो कि आजकल थोड़ा पेमेंट देने में तंग करते हैं। मैं आपके लिए बंगला में लिखा हूँ ताकि आसानी हो जाए, जब तक ये बैंक ठीक नहीं हो तब तक इनमें पैसे नहीं भेजे, कोशिश करें। अगर आपको पेमेंट देते तो बहुत बेहतर है, अगर पेमेंट नहीं देता, क्योंकि मेरे पास अपडेट यही है कि ये 4 बैंक, सोशल इस्लामी, फर्स्ट सिक्योरिटी इस्लामी, ग्लोबल इस्लामी, नेशनल बैंक और यूनियन बैंक, ये 5 बैंक थोड़ा उधर तंग करते हैं। तो मैं सिर्फ, ये ऑफिशियल नहीं है, हमारा कंपनी की तरफ से नहीं है, ये मैं पर्सनल बेस से बोल रहा हूँ, मेरे तरफ से बोल रहा हूँ कि आप कंफर्म करें, अगर आपको पैसा जल्दी मिलेगा तो ये 5 बैंक में भेजें, अगर पैसा नहीं मिलेगा और आपको पैसा तुरंत चाहिए, ज़रूरी चाहिए, तो फिर इसमें मत भेजें। लेकिन अगर आपको कोई इशू नहीं है, तो पैसा पड़ा रहेगा, बाद में मिले, पैसा चला जाएगा, हमारा पास से पैसे जाएगा, बस उधर आपको पैसा नहीं मिलता, इसके लिए हमारा कंपनी की तरफ से कोई मुश्किल नहीं। ये मैं पर्सनल बेस से दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को पैसा तुरंत चाहिए तो ये 5 बैंक में मत भेजो, अगर तो जल्दी नहीं चाहिए तो फिर कोई मुश्किल नहीं, आपका पैसा आपका खाता में मिलते है, बस आपको नहीं देते, तो बोलते दिन में 1000 ले लो, 2000, 5000, 10000, ऐसा वाला निज़ाम है। तो आप देखो, अगर कोई ऐसा इशू नहीं है, जल्दी नहीं, तो फिर इसी में भेजो, मसला नहीं है, आपको तुरंत चाहिए, इमरजेंसी पैसे चाहिए, तो फिर ये 5 बैंक में मत भेजो, पहले कन्फर्म करो आपको पैसा मिलेगा तो फिर भेजो, ठीक है। 31.76 रेट है जी, फ्री है, चार्जेस कोई नहीं है, बांग्लादेश कोई भी बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अकाउंट में भेजने के लिए ये 5 चीज़ें चाहिए आपको। सबसे पहले अकाउंट का नाम चाहिए, क्या नाम है अकाउंट का, कौन सा अकाउंट नंबर है, कौन सा बैंक है, ब्रांच कौन सा और जिला कौन सा। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास हैं तो कोई मसला नहीं, किसी भी अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर ये ब्रांच जिला नहीं है तो पैसे आपके पास राउटिंग नंबर होना चाहिए, राउटिंग नंबर बोले तो आपका ब्रांच कोड होता है जो कि करेक्ट होता है आपका। ये 5 चीज़ें ज़रूरी चाहिए, अकाउंट का नाम, अकाउंट का नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच कौन सा, जिला कौन सा या राउटिंग नंबर। अगर तो ये आपके पास है तो फिर कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह किसी भी अकाउंट में भेज सकते हैं। 31.76 रेट मिलेगा किसी भी बैंक में, नाम पर भेजेंगे तो आपको 31.38 मिलेगा, 3 दिन लगते हैं खाते में भेजने के लिए, 3 दिन लगते हैं, ये याद रखें, नाम पर भेजेंगे 31.38 मिलेगा, 31.38, 17.25 चार्ज है। आप रोपाली, पोबाली, सोनाली, अग्रानी, इस्लामी, डॉच, बंगला, नेशनल, NCC, एशिया, कोई भी बैंक से अकाउंट में भेज सकते हैं, जस्ट करेक्ट डिटेल चाहिए, करेक्ट डिटेल मीन्स आपका ID का सेम नाम चाहिए जी। नेपाल के लिए 35.56 है, 23 रियल चार्ज है, इसावा एक्सप्रेस, कुमारी बैंक, हिमालयन, प्राबू, IME, GME, IPAC, किसी से भी ले सकते हैं, करेक्ट डिटेल चाहिए,
चाहिए ओनली, नागरिकता का सेम नाम चाहिए, अकाउंट डिटेल करेक्ट चाहिए। श्रीलंका 77.58 23 रियल चार्ज, यू कैन सेंड टू एनी बैंक अकाउंट इन श्रीलंका, जस्ट वी नीड ओनली करेक्ट डिटेल। 77.58 रेट फॉर 1 साउथ रियल, 23 रियल इज चार्जेस। इंडोनेशिया फॉर 1 रियल 4090 इंडोनेशियन रुपीज, 17.25 चार्जेस। You can send to any bank account in Indonesia, just we need correct detail. You send BRI, BNI, BC or any bank, correct detail we need. That's all for Monday 28 October 2024. Inshallah koi change aayega to aap logo ke sath share karenge, abhi tak ke liye itna hi hai. Bangla ke mere friend video zarur doston ke sath share kare taaki tafseel pata chale. Thank you so much, Allah Hafiz.